इंटरग्रेट तक अलाउ किया था, जब कुछ सैनिकों ने शहीद सैनिकों के लिए इंटरग्रेट कर गए थे, उसके एक साल पहले से लेकर आज तक कभी कोई मार्च अलाउ नहीं हुआ है, मगर मार्च होते हैं। वो मार्च भी क्या जो परमिशन लेके किया जाए। तो ये तो मेरा अंदाज है। बच्चों मैं आप आए, मैंने आपका फोटो लिया क्योंकि उस पर ऑक्सीजन लिखा हुआ था। मैं कुंवारा नहीं हूं, शादीशुदा हूं, पिता हूं, दादा हूं। बच्चों को चोट लग जाती है, मेरा और मेरी पत्नी को रात को होश उड़ जाते हैं, चाहे छोटी सी खरोच क्यों ना हो, क्योंकि खरोच बच्चे के पांव में लगी हो उसका दर्द हमारे दिल पर होता है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम उनके पिता हैं, उनके दादा हैं। पड़ोसी के बच्चा भी जब गिरता है तो उसको उठाते हैं, क्योंकि हम उसको जानते हैं, वो छोटा बच्चा है, हमारे सामने पैदा हुआ था। दूसरों का दुख माँ बाप समझते हैं, अस्पताल जाते हैं, दूसरों का दुख देखते हैं किस तरीके से बड़े बड़े अस्पतालों में क्या होता है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं डायबिटीज का मरीज हूँ और बहुत सख्त डायबिटीज है। जब मैं अस्पताल जाता हूँ तो बुजुर्ग लोग तो बहुत होते हैं डायबिटीज में, बच्चे बहुत कम होते हैं, और जो बच्चे डायबिटीज वार्ड में होते हैं या डायबिटीज के ओपीडी में होते हैं वो अमीरों के बच्चे होते हैं। तो बहुत सालों से मैं सोचता हूँ कि क्या डायबिटीज सिर्फ अमीरों के बच्चों को होती है। बात कुरेपे से पता लगता है कि डायबिटीज सबों को होती है, मगर गरीब के बच्चे को जब एक साल का हो जाता है, जब माँ का दूध पीना छोड़ देता है, उस वक्त अगर ब्लड टेस्ट ना किया जाए तो पता नहीं लगेगा कि उसको डायबिटीज है कि नहीं, और 6 महीने में बच्चा मर जाएगा। गांव वाले माँ बाप कहेंगे सूखे से मर गया, उसका नाम सूखा है। गोरखपुर कांड से 3 अलग अलग बातें आती हैं। इतने बच्चों की मौत हुई और बुजुर्गों की मौत हुई, एडल्ट्स की भी मौत हुई, ऐसी बात नहीं है। इतने सारे बच्चों की एक ही जगह कुछ छोटे से ही दिनों में मौत हुई। सनसनी फैल जानी चाहिए, क्यों नहीं फैली? सरकार के ऊपर क्यों नहीं फैली? हिंदुस्तान में बाकी जगह क्यों नहीं फैली? पहला मुद्दा ये है। इसके ऊपर आई कि ऑक्सीजन नहीं था, क्या था डॉक्टर फली लाज थे या नहीं थे, वो बात अलग है। इतना बड़ा कांड हुआ, देश का कलेजा क्यों नहीं गया? क्यों चुपचाप जैसे कुछ और हो गया, जैसे कोई बच्चा मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में मर गया जिसके ऊपर बेबी 2 दिन से चल रहा है, उसके माँ बाप के भी दुख में हम शामिल, क्यों ये इतना बड़ा कांड ये पड़ा? दूसरा, इस देश में हेल्थ के ऊपर क्या हो रहा है? क्या वजह है कि इस देश में, इतने बड़े महादेश में जहां पे हम रॉकेट भेज रहे हैं, हमारी हेल्थ व्यवस्था इतनी जर्जर है, इतनी जर्जर है, कोई सेफ्टी नेट नहीं। छोटे से छोटे देश में, टोटली बदनाम देश में, जहां पे डिक्टेटरशिप्स है, जहां पे थ्रोकसीज है, वहां पे अगर आप बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल में जाते हैं, आप पूरे जब तक कोई ठीक नहीं रहते हैं मुफ्त इलाज है, उसके बाद वो दिल देंगे, अगर आप नहीं मिल दे सकते हैं तो कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में अगर आप अस्पताल में गए और अगर दिल नहीं दिया तो आपकी लाश बाहर है, और जो अगर आप अमीर है, कोई भी आपको बीमारी है, आप मर भी जाएंगे तब भी डॉक्टर आपके गले में छेद करके रेस्पिरेटर लगाएगा, 1,75,000 रुपया रोज करेगा, चार्ज करेगा, जब तक वो बर्दाश्त कर सकते करेंगे, जिस दिन आप कह देंगे पैसा नहीं है स्विच ऑफ हो जाएगा, लाश आपको मिल जाएगी। जिस देश में हेल्थ सर्विसेज का
पर सरकार का ये अंदाज है, उस देश का क्या होगा। अब तीसरी बात जिसके ऊपर मैं थोड़ा जोर डालना चाहता हूं, अपने बच्चों के ऊपर आता हूं, किस तरीके से कम्युनलाइज किया जा रहा है। ये डॉक्टर की बात नहीं है, ये जल्लाद योगी आदित्यनाथ किस बूते पर इसने राज करना शुरू किया। इसका इस्लामोफोबिया, इसका मुसलमानों के खिलाफ नीयत, इसकी पार्लियामेंट में भाषा, नरेंद्र मोदी ने जब पार्लियामेंट की डिबेट के ऊपर चुना किसी को कम्युनलिज्म की डिबेट के ऊपर, ये जवाब देंगे सरकार की तरफ से तो योगी आदित्यनाथ को चुना, उनके जो शब्द हैं अगर मैं सड़क पर बोलूंगा तो यही पुलिस वाले मेरे को हथकड़ी लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने संसद में बोला संसद की मर्यादा के अंतर्गत उनके ऊपर कोई केस हम ना कर सकते हैं ना वो कर सकते। उसके प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं प्रेम, किसकी हिम्मत किसी और को प्रेम करने के, और किसकी सूरत किसी और को प्रेम करने से रोकने के। आपका ये अर्थ है कि आप किसी लड़की को या लड़के को जो आपके धर्म का नहीं है, आपकी जात का नहीं है, आपके इलाके का नहीं है, आपकी जुबान का नहीं है, आपका खाना नहीं खाता है, उससे आप कुछ नहीं कर सकते क्या, वो आपका दुश्मन है क्या। मार से बात आगे बढ़ती है, खास पंचायत में आप मार डाले, दलित लड़की ने एक उच्च जाति की लड़की ने दलित से प्रेम किया, उसी के माँ बाप ने उस दलित का कत्लेआम कत्लेआम टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज वो लड़की मोटरसाइकिल पर दलितों में उच्च जाति में प्रेम का भाव सिखाने का काम करती है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। उसके बाद क्या हो रहा है, केरला में आरएसएस के मुखिया भगवत झंडा फहरा ले जाते हैं सरकारी स्कूल में, जहां पे कलेक्टर ने हुक्म दिया है कि यहाँ पर कोई सरकारी आदमी भी चला सकता है, अली साहब जाके तो चला सकते हैं, वहां पर आप जाकर कर रहे हैं, अपने दफ्तर में नागपुर में नहीं फैलाएंगे, 26 जनवरी को 52 साल के बाद फहराया, 15 अगस्त को नहीं फहराएंगे। हमने कल टीवी पर बहुत पूछा, अभी तक जवाब नहीं मिला कि फहराया था या नहीं फहराया था। एक फोटो आई जिसमें कहीं पर एक झंडा लग रहा था तिरंगा, मगर उसके ऊपर भाजपा का झंडा लग रहा था। अब क्या करना मांग रहे हैं आप, किस तरीके से डिवाइड, अंसारी साहब के साथ आपने जो हमारे उपराष्ट्रपति थे 10 साल उपराष्ट्रपति थे, उनको किस तरीके से जलील कर रहे हैं आप, जैसे कोई सड़क छाप लड़का हो यहाँ पे आते, क्या जुबान आपके इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप कभी स्कूल नहीं गए हो, किसी गंदी नाली से निकल के किसी गली में आप खड़े होकर गाली दे रहे हैं वो आदमी जो आपका सदर रह चुका है, कि किस कहां पे आ गए हैं आप, कहां गिर गए हैं आप, किस तरीके से आप कौम को कौम के खिलाफ लगा रहे हैं और उसको किस तरीके से इन मौतों से जोड़ रहे हैं आप, किस तरीके से अपने गंदगी को अपने गंदे दिमाग को इन मौतों से फोकस हटाने में आप जुड़े हुए हैं। वो बच्चे मरे हैं, ये हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान, दलित, राजपूत, कोई भी हो सकता है, कौन थे ये बच्चे हम नहीं जानते हैं, इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इनका स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं है, बड़े बदलाव दिए उनके को 6 महीने का था, कोई 6 दिन का था, कोई 1.5 साल का था, नहीं उनकी सकती है। यहाँ पर किसने बोला था आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगो, इस्तीफा नहीं देगा, उसके आगे हम क्या करेंगे, किससे हम इस्तीफा मांग सकते हैं, प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति कहते हैं यहाँ पे जितने मुसलमान हैं और जितने ईसाई हैं सब बाहर के लोग हैं, एलियंस हैं, तो हमको हिंदुस्तानी मानने को तैयार नहीं है, ये उनका उन्होंने कहा है जुबान से लिख कर। हम सब जो यहाँ पर मैं ईसाई हूँ बाकी मुसलमान है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, उनसे क्या मर्याद करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से क्या पूछेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगा लव जिहाद, एनआईए करेगा पाकिस्तान से आए हुए लोगों को, एनआईए करेगा हिंदू टेररिज्म को, एनआईए करेगा और चीजों को, तो लव जिहाद को करेगा, किससे फरियाद करेंगे हम। बड़ा सवाल हमारे पास यह है किससे फरियाद करेंगे हम, जो हमारे पास मिसाइल है उसका
हमारा जो दुख है उस पर हमारा बना लेते।